हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 49 पर, जहां पर हम लोग अपना इश्यू ऑफ डिबेंचर जो चैप्टर था उसको कंटिन्यू करने वाले। तो आज सीखेंगे कि डिबेंचर जो है वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे कैसे इशू होते हैं। तो पार ये रहा, प्रीमियम इधर है, इसके बाद देंगे डिस्काउंट कैसे होता है, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट। पार क्या होता है, तुमको पता था कि जितने रुपये की वैल्यू है उसकी उतने रुपये पे इशू हो गया, ठीक है। प्रीमियम क्या होता था, जो वैल्यू है उससे ज़्यादा में इशू हुआ, एक्स्ट्रा पैसे रिसीव हुए। और डिस्काउंट, जो वैल्यू उससे कम में इशू हुआ वो डिस्काउंट होता था, ठीक है। तो फटाफट इसकी जनरल एंट्री देखा करते हैं और खत्म करते हैं वीडियो को। तो देखिए, 1005% डिबेंचर इशू हो रहा है एट द रेट ऑफ 10 ईच, कुछ भी नहीं है, लमसम पे है, फटाफट से एंट्री कर देते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट होगा तो वो भी हम लोगों ने शेयर्स में सीखा कैसे होता था। तो फटाफट ये एंट्री करते हैं लमसम वाली। पहले तो पैसा रिसीव होगा, रिसीव होने वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है। ठीक है, अगली एंट्री क्या होगी, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर, कितने रुपए के लिए, 1000 डिबेंचर के लिए 10 रुपए, 1000 के लिए 10 रुपए। तो ये हो जाएगा अपना 1000 × 10 कितना हो गया, 10,000 रुपया, 10,000 रोकड़ा ये हो गया भाई, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज थी। अगला देखिए, अगला बता रहे हैं प्रीमियम पे 1000 डिबेंचर, 5% डिबेंचर इशू हो रहा है, 1000 5% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10 ईच प्लस 2 रुपीज। अब ये 2 रुपए क्या है, एक्स्ट्रा प्रीमियम प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम हो गया। अब यहाँ पे यही लमसम वाली प्रीमियम की एंट्री करेंगे। अगर ये लमसम वाला नहीं होता, इंस्टॉलमेंट केस होता, तो प्रीमियम अगर क्वेश्चन में नहीं बताया होता कहाँ लगेगा, अलॉटमेंट पे लगेगा। उन्होंने शेयर्स में देखा है कि प्रीमियम नहीं बताया होता है तो अलॉटमेंट पे लगता है, ठीक है जी। तो फटाफट ये देखते हैं, पैसा फिर से रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन है जी। अगली एंट्री 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर। और इसी एंट्री में जो हमारी ड्यू एंट्री हुआ करती थी, ट्रांसफर एंट्री होती थी, उसी में हम लोगों को प्रीमियम लगा लेंगे है जी। तो प्रीमियम क्या होता था, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम को करते हैं क्रेडिट, इनकम को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द एक्सपेंस लॉस क्रेडिट द इनकम गेन, तो क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने रुपए का प्रीमियम है भाई, 2 रुपए का प्रीमियम। शेयर पर डिबेंचर का प्राइस 10 रुपए का, कितने, 1000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10 ईच प्लस वही पे 2 रुपए का प्रीमियम भी है, तो 2000 वो और 10000 वो, 10000 तो हो गया डिबेंचर का और 2000 हो गया यहाँ पे, टोटल आया 12000, वही हमको रिसीव भी होगा। सिंपल चीज़ थी, समझ में आ गई, ईजी है, ठीक है। तो ये तो हो गया पार और प्रीमियम, जो कि हम लोगों ने शेयर्स में पढ़ता। अब कुछ नया पढ़ते हैं जो कि है डिस्काउंट, वो डिबेंचर में आने वाला है, ठीक है। तो फटाफट इसको हटाते हैं और डिस्काउंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए भाई, अब आ चुके हैं उस चीज़ पर जिसका था हमको इंतजार, डिस्काउंट पे। पार प्रीमियम हम लोग सीख चुके हैं, अब सीखने वाले भाई डिस्काउंट को, ठीक है। तो देखिए, हमारे 1000 डिबेंचर 5% डिबेंचर इशू हो रहे हैं, 10-2 एट द रेट ऑफ 10-2 2 रुपीज़ के है ये, माइनस हो रहे हैं डिस्काउंट, प्लस होता था तो प्रीमियम, अब ये माइनस किए जा रहे हैं तो ये है भाई डिस्काउंट। तो हमारे डिबेंचर जो है वो इशू हो रहे हैं बेसिकली 8 रुपए पे, कितने पे, 8 रुपए पे, 10 में से 2 गए भाई तो बच रहे हैं 8, उतने पे हो रहे हैं इशू। तो फटाफट से एंट्री करना शुरू करते हैं। तो पहले पैसा रिसीव होगा, रिसीव होता है लमसम वाला केस है, ठीक है। कुछ बताया तो है नहीं कि इंस्टॉलमेंट वगैरह है, तो लमसम का केस है, पहले पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है, प्रीमियम होता था फायदा होता था तो क्रेडिट कर देते थे, अब डिस्काउंट है घाटा हो रहा है लॉस हो रहा है, डिस्काउंट देना पड़ रहा है, लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस होता था तो लॉस को करते हैं डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर, कितना परसेंट, 5% डिबेंचर, हाँ जी, ठीक है भाई। अब करना शुरू करते हैं, 2 रुपए का था तो डिस्काउंट, डिबेंचर था 10 का, कितने थे, 1000 डिबेंचर से 10 का डिबेंचर था, 2 रुपए का तो हो गया भाई डिस्काउंट, तो कितना बचा, 8 बचा, वो आएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन पर है जी, ये रहा ऐसे आएगा। तो ठीक है भाई, ये 10000 रुपये में से 2000 का हो गया डिस्काउंट, 1000 × 2, ठीक है, ये 2000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, बचा कितना जो मिलेगा, 8000 रुपये हमको बैंक वाली एंट्री में होगा रिसीव। बात समझे बच्चा,
ये 8,000 रुपये होगा हमारा रिसीव हमको, ठीक है। इसी तरीके से अब इंस्टॉलमेंट वाला केस देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट में बता रखा है भाई 1,000 डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स हो रहे हैं इशू एट द रेट ऑफ 10 ईच माइनस 2, फिर से वही 2 रुपये का फिर से डिस्काउंट इशू हो रहे हैं, यानी कि 8 पे। इस बार दे दिया इंस्टॉलमेंट का केस। एप्लीकेशन 5 की, अलॉटमेंट 3 की। एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 3, 5 और 3, ये तो 8 ही रुपये हुए। ऊपर भी देखो 10 माइनस 2 8 ही हैं। डिस्काउंट कहाँ पे माना जाएगा, कुछ नहीं बताया है, तो प्रीमियम भी उसी पे होता था अलॉटमेंट पे, और डिस्काउंट भी उसी पे होगा किस पे, अलॉटमेंट पे। कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में कि प्रीमियम कहाँ है, तो अलॉटमेंट पे लगा देना। कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में कि डिस्काउंट कहाँ है, तो उसको भी अलॉटमेंट पे ही चिपका देना है, और कहीं नहीं लेके भागना उनको, ठीक है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों अलॉटमेंट पे, अगर नहीं बताया गया तो, ठीक है। तो देखिए भाई ये अलॉटमेंट 3 रुपये कैसे है, 3 ऐसे होगा, ये 10 था, 10 यानी कि एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट भी 5 होनी चाहिए थी, पर उस 5 में से जो अलॉटमेंट 5 होनी चाहिए उसमें से 2 तो हट गए डिस्काउंट के, तब जाके ये 3 बचा है अलॉटमेंट का, समझ रहे हो। तो 2 रुपये का डिस्काउंट है अलॉटमेंट पे, तब वो 3 का है, क्लियर है जी। फटाफट से एंट्री कर देते, तो पहले एंट्री रिसीव होने की, पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री, फिर 5% डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर, कितने डिवेंचर, 1,000 डिवेंचर ऊपर लिखते हैं, है ना, ऊपर लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। 1,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ, एप्लीकेशन कितने की है, 5 रुपये की एप्लीकेशन है, ये रही देखो, ठीक है। तो 1,000 × 5, 5,000 रुपये हमको होंगे रिसीव, ये इधर से क्वेश्चन चालू है, 5,000 होंगे भाई रिसीव, है ना। तो ये एप्लीकेशन का तो हो गया इंतजाम 5,000 से, ठीक। आगे देखते हैं अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की अब एंट्री करते हैं ड्यू वाली। देखिए 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट करते हैं, डिस्काउंट होता है लॉस, तो लॉस को डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर, है जी, क्लियर है। अगली रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट, सही है जी। अब रुपए देख लीजिए कैसे लगाएंगे, 5 रुपये इसमें मिलने चाहिए थे, 2 रुपये का हो गया डिस्काउंट, 1,000 शेयर्स, 1,000 डिबेंचर्स के लिए 5 रुपये मिलने चाहिए थे, पर उन्हीं 1,000 डिबेंचर पे ये हो गया 2 रुपये का डिस्काउंट, कितने मिलेंगे अब, 3 रुपये अलॉटमेंट पे रिसीव होंगे, 5 में से 2 गए बचे 3 रुपये, जो कि हमको 1,000 डिबेंचर के लिए अलॉटमेंट पे होंगे रिसीव, यानी कि 3,000 रुपये होंगे रिसीव, 2,000 हो गया डिस्काउंट, और होना चाहिए था 5, है जी। तो बैंक एंट्री में कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, 2,000 रुपये डिस्काउंट काट दिया है, उसके बाद जो बचा है 3 वो लिखेंगे बैंक वाली एंट्री में, समझ गए। तो ये 3,000 यहां पर आएगा, ठीक है, समझे। देखिए इधर भी देखो 8,000 रुपये आया था पूरा, 10 में से 2 चले गए तो 8 रुपये, उसके हिसाब से 8,000 रुपये आया था, इसमें से भी वही है, 10 में से 2 चले गए तो 8, देखो 5 रुपये यहाँ एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ, 5,000 रुपये एप्लीकेशन रिसीव हुए, और 3,000 यहाँ देखो अलॉटमेंट पे, 5,000, 3,000, 8,000, तो यहाँ पे भी 8,000 भी रिसीव हो रहे हैं, तो वही 8,000 रुपये हमको रिसीव होंगे, चाहे लमसम कह लो चाहे इंस्टॉलमेंट, आने तो उतने ही रुपये है ना जी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, डिस्काउंट कुछ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्रीमियम में बस प्लस करते थे, डिस्काउंट में माइनस कर देंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं रह गया होगा, अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी है जी। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।